ये है ग्वालियर फोर्ट। रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? जो देख रहे हैं यही है ऊपर का नज़ारा व्यू, जहाँ से आप लाखों करोड़ों घर आसानी से देख सकते हैं। किले के ऊपर है 400 साल पुराना गुरुद्वारा। तो आगे बढ़ते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज इस इंटरेस्टिंग भरे ब्लॉग में मैं आप लोगों को अपना ग्वालियर शहर का ग्वालियर फोर्ट दिखाने जा रहा हूँ, मतलब कि पूरा एक्सप्लोर करूँगा। अभी सुबह के बज रहे हैं गाइस 6:50। मैं आया था सुबह ही, निकल चुका था घर से, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे आके ब्लॉग को बना रहा हूँ और आप लोगों को पूरा इस ग्वालियर फोर्ट के बारे में एक्सप्लोर करूँगा, बताऊँगा कि कहाँ का कौन कौन से मंदिर है और कहाँ का कौन सी चीज़ हैं जो कि आप लोग आ सकते हैं एंड देख सकते हैं। तो गाइस चलते हैं इस ब्लॉग को स्टार्ट करने। और काफ़ी ऊंचाई पे खड़ा हुआ हूँ मैं, जहाँ पे कोई भी नहीं है, देख सकते होगे पीछे सूरज ज़्यादा भी दिख रहे हैं, और ये देख सकते होगे पूरे पीछे पहाड़ पहाड़ हैं और नीचे का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस। तो गाइस नज़ारे के एंड नेचर के एंड क्लाउड्स के मज़े लीजिए। Days, you never wait for me, you never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see, you're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. मेरा मोटिव तो यही रहेगा कि मैं आज आप लोगों को इस ग्वालियर फोर्ट के बारे में पूरा बता दूं, नहीं तो अगर हो सका तो पार्ट वन बना दूंगा, या तो फिर हाँ पार्ट वन बना दूंगा, या फिर पूरा ही एक्सप्लोर कर सका तो पूरा ही एक्सप्लोर कर दूंगा। तो गाइस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। ऊपर से आते आते नीचे के व्यू को भी आप देख सकते हैं। तो गाइस थोड़ा रास्ता और तय होने के बाद मैं इस जगह पे पहुँचा हूँ जिसको कहते हैं लोअर उरवाई गेट, मतलब कि एक उरवाई गेट ऊपर आता है जिससे कि मतलब कि सीधी बिल्कुल चढ़ाई होती है, और इधर से एक चढ़ाई इधर से होती है, एक चढ़ाई ऊपर से होती है। थोड़ा और ऊपर चढ़ने के बाद मुझे और भी चीज़ें दिख रही हैं, तो मैं भी आप लोगों को भी डिस्कस करता हूँ। वैसे तो मैंने देखी हुई थी बट कि मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। सो गाइस इस जगह में जहाँ मैं आया हूँ अभी, इधर ना गाइस जो जैन लोग थे ना, मतलब जैन के जो गुरु होते हैं वो लोग कि यहाँ पे मतलब पूरे स्टैचू बनाए गए हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड पे उरवाई गेट पे बनाए गए हैं गाइस। तो गाइस इधर का यही सीन है मतलब पूरा, जो कि 13वीं सदी में बनाए गए थे पूरे, जिसमें कि 24 जैन फीट करे गए हैं, मतलब इन दीवारों में 57 फीट के गाइस, इन राइट एंड लेफ्ट साइड में बोथ एंड साइड में आदिनाथ, इन लोगों का नाम आदिनाथ है, जिसमें कि इनको मतलब कहते हैं तीर्थकारो, मतलब कि ये तीर्थकार होंगे, मतलब तीर्थ जो गुरु होते हैं ना, मतलब एक तरीके से गुरु ही समझ सकते हैं आप लोग, जिसमें कि मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ गाइस। एंड यहाँ का देख सकते होंगे सीन, मैं आपको पूरा इस व्लॉग में दिखाता हूँ। Could see, you're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself.
myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? I feel all that you I don't want. I had you come. यहाँ पर गाइस एक चीज़ बहुत बुरी लग रही है जो बनी हुई है, स्टैचू बने हुए हैं उनमें भी बहुत से स्टैचू के मुंह टूटे हुए हैं। तो गाइस मैंने ज़्यादा नहीं दिखाए क्योंकि मुंह टूटे हुए हैं तो आप लोग भी मतलब देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जितने सही थे मैंने मतलब वो चीज़ें दिखाई हैं इसमें खास कर की। तो गाइस अब हम लोग ऊपर की ओर चलते हैं थोड़ा और, तो आप लोगों को और भी काफ़ी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। यदि गाइस आप लोगों के पास अपना कन्वेंस है तो कन्वेंस पे ही आइए, बिकॉज कि ना गाइस ज़्यादा थक जाएंगे, ऊपर जाके घूम नहीं पाएंगे। तो इसलिए गाइस अगर कन्वेंस है तो कन्वेंस पे ही आइए। मेरे पे तो साइकिल थी इसलिए मैं पैदल चढ़ रहा हूँ ऊपर। तो गाइस चलो ऊपर पैदल ही चढ़ते हैं। सो गाइस इन दिस टाइम आई कंप्लीट वन मोर टारगेट, मतलब कि मैं एक जगह ऊपर चढ़ चुका हूँ, एक और वाई गेट ख़त्म हो चुका है एंड सेकंड अब चढ़ूँगा ऊपर, फिर और ऊपर जाके और मंदिर दिखाऊँगा आप लोगों को। यहाँ का नेचर एंड वाइब्स आप देख सकते हैं, मैं इसमें डालूँगा क्लिप्स, पूरी वाइब्स देख सकते हैं जो कि मैं कहाँ हूँ ऊपर खड़ा हूँ। मैं नीचे का सीन भी दिखाता हूँ आप लोगों को एंड ऊपर चलते हैं तो ऊपर का सीन भी मैं आपको दिखाता हूँ। Wait a thousand days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. So guys, मैं ऊपर आ चुका हूँ एंड ऊपर आने के बाद मैं पहुँचा हूँ एक जगह, नई जगह पे। तो उधर हैं आई थिंक 100 से भी ज़्यादा पिलर्स हैं अंदर, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ की ना जो वाइब्स है ना, जो चिड़िया की आवाज़ नेचर, वो मतलब कि गाइस इतना इंटरेस्टिंग है, आप लोग भी यहाँ पे विज़िट ज़रूर किएगा, मतलब आइएगा यहाँ पे एंड एंजॉय किएगा। अभी मैं जाऊँगा गुरुद्वारे भी जाऊँगा और काफ़ी जगह खुली नहीं है, सुबह का टाइम है, 9 बजे खुलती हैं, तो जो जो खुला हुआ है वो तो मैं आप लोगों को सीन करा रहा हूँ, मतलब दिखा रहा हूँ। आई थिंक गाइस ये सबसे ऊंची जगह है जहाँ की मैं खड़ा हुआ हूँ इस समय। तो गाइस यहाँ के वाइब्स एंड नेचर तो गाइस इतना मतलब अच्छा है, सुबह जो लोग वॉक करने आते हैं एंड रनिंग करने आते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे, और बहुत सारे लोग तैयारी भी करने आते हैं अपने एम की, तो उस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड सुबह की वाइब्स तो मतलब इतनी अद्भुत हैं यहाँ की, मतलब अच्छी हैं बहुत। तो गाइस एंजॉय करिए आप लोग भी इधर की वाइब्स का, जो कि मैं पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है ना वो दिखाता हूँ आप लोगों को। गाइस ये है यहाँ की खुफिया जगह जो कि आई थिंक दिल्ली में निकलती होगी, गुफा, जो ये गुफा बंद है देख सकते हो आप लोग, ये आई थिंक डायरेक्ट उधर पहुँचा लेती थी दिल्ली में जब पहले के ज़माने में। I had you come right through.
ये नज़ारे आपको किले के ऊपर से ही देख सकते हैं, नीले बादल, ये हरे हरे छोटे छोटे पेड़ भी आप देख सकते हैं, और लाखों करोड़ों घर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। अब अपन चलते हैं गुरुद्वारे की और तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये है यहाँ का गुरुद्वारे का प्रवेश द्वार, जिससे कि हम लोग इस साइड से अंदर और जाएंगे गाइस। तो गाइस अंदर चलते हैं। ये है गुरुद्वारे के अंदर का व्यू, जहाँ से चलते चलते अंदर जाते जाते आपको काफ़ी हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। इन हरे भरे पेड़ पौधों के पीछे है गुरुद्वारा दाताबंदी छोर, जिसमें 52 राजाओं को गुरु गोविंद सिंह जी ने रिहा करवाया था, और गुरुद्वारे को 2021 में 400 साल हो चुके हैं। तो यही थी इस गुरुद्वारे की शॉर्ट कहानी। तो गाइस इधर भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं, ये महादेव की शिवलिंग है एंड ये पिजन बैठे हैं यहाँ पे, जो कि अपना दाना खा रहे हैं। देख सकते होंगे बहुत पुराना सा ताल बना हुआ है पूरा। इधर भी मतलब आ सकते हैं आप लोग, इधर अंदर जाना तो मना है, बाहर से ही इधर ऊपर से ही देख सकते हैं। आई थिंक गाइस मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली, बहुत सी चीज़ें मैंने कवर कर ली है जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, मतलब यहाँ पे जिसमें कि मेरा एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। और भी जगह हैं जिसमें पैसे लगते हैं, तो वो मैं फिर कभी दिखाऊंगा आप लोगों को, जो कि फ्री हैं, कि जैसे किसी के पास पैसे नहीं होते तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी यहाँ पे आ सकता है एंड बहुत सी चीज़ें घूम सकता है यहाँ पे आके जो फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड यहाँ का जो प्रसिद्ध है वो ये गुरुद्वारा, वहाँ पे भी आ सकते हो एंड बहुत इन्जॉय कर सकते हो यहाँ पे आके। बहुत सी चीज़ें और भी हैं, वो ज़्यादा मतलब ऐसी अच्छी नहीं है, जो मैंने मेन पार्ट थे ना वो काफ़ी दिखा दिए इसमें। तो होप यार मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये ब्लॉग में बहुत सी चीज़ें अच्छी देखी होंगी। तो गाइस चलते हैं आप घर की ओर एंड फिर घर पे जाके ब्लॉग को एडिट करेंगे और ब्लॉग को एंड करेंगे। गाइस तो मैं आप लोगों से एक बात और डिस्कस करना चाहता था, डिस्कस में ये करना चाहता था आप लोगों से कि जब मैं ना गुरु के मतलब दरबार में जाता हूँ ना, चाहे मतलब आप किसी भी गुरु को मानते हो, जाओ मतलब ऐसी मतलब अंदर की वाइब ऐसी हो जाती है बिल्कुल शांत पीस जैसी, बिल्कुल अलग ही मतलब फील आती है, बिल्कुल शांति शांति लगती है। तो गाइस आप लोग भी जाया करो मंदिर या फिर जिसको भी भगवान को मानते हो, उधर जाया करो एंड उधर की जो शांति है उसको अंदर अपने अंदर लिया करो। उससे क्या रहता है, अपना मन शांत रहता है, दिमाग बिल्कुल कंट्रोल में रहता है, बिल्कुल कोई भी गलत विचार नहीं आते अपन लोग में। तो गाइस मैं यही बात आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था, मैं तो वैसे भी जाता हूँ तो मैं आप लोगों से भी डिस्कस कर लेता, इसलिए ये डिस्कस कर रहा हूँ ये बात। तो गाइस ये देख सकते होंगे कितने पुराने से पत्थर भी यहाँ पर लगे हुए हैं, काफ़ी साल पुराने पत्थर हैं ये, शायद से 15वीं सदी, आई थिंक 15वीं सदी का ही है, 50s का। तो गाइस चलते हैं घर की ओर, आप काफ़ी थक चुका हूँ मैं। सो गाइस आई थिंक आई कवर्ड ऑल दी एरिया जो कि आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो आप लोग आके यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं आराम से एंड कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है इन जगहों में तो बिल्कुल भी।
और भी जगहें जिनमें भी ज़्यादा पैसा नहीं लगता, 20-30 रुपये 40 रुपये आई थिंक इतने ही लगते हैं। तो वो गाइस मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा, अभी मैं घर की ओर निकलता हूँ क्योंकि ना गाइस मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मम्मी पापा भी इंतज़ार कर रहे होंगे, सुबह निकला था 6 बजे। तो गाइस चलते हैं घर की ओर। गाइस तो नीचे उतरने की भी ना अलग ही मतलब मजा आता है नीचे उतरने में, दौड़ के उतरो तो और ही ज़्यादा। देखो गाइस अलग ही मतलब, रुक भी नहीं पा रहा, रुक भी नहीं पाते, वो तो शूज़ पहने हैं ना ग्रिप्स वाले, तो इसलिए रुक जा रहा हूँ। सो गाइस मैं घर पे तो सुबह ही आ चुका था, सुबह आने के बाद कि ना मैं बहुत थक चुका था तो इसलिए मैं स्टे कर लिया था, मतलब मैं सो गया था काफ़ी देर। तो व्लॉग को एंड मैं अभी शाम को कर रहा हूँ, ये रिंग लाइट की फ्लैश ही मेरे ऊपर आ रही है, तो व्लॉग को एंड करते हैं। होप यू आर एंजॉय दिस व्लॉग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे ट्यून्ड स्टे सेफ, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बस इतना ही एंड नेक्स्ट पार्ट काफ़ी जल्दी एंड काफ़ी जल्दी आएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में, अभी के लिए बाय।